हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के ही टॉपिक की, जिसका नाम है फॉरेन ट्रेवलर्स इन इंडिया, अर्थात भारत में विदेशी यात्री। मैंने इसका एक पार्ट पहले ही बना दिया है। अब सेकंड पार्ट में जो बाकी बचे हुए ट्रेवलर्स हैं, मैं उनकी बात करूंगी। ये जो यहाँ पर स्लाइड्स रहेंगे, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करते हुए इसे भी चलूँगी, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट होगा। जनरली क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, पहली स्लाइड में मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था, और फिर से रिवाइज कर दूं कि आपको याद रखना है किस फॉरेन ट्रैवल कौन सा फॉरेन ट्रैवलर किसके साम्राज्य काल में आया, यदि उसने किसी क्षेत्र विशेष का भ्रमण किया है, यदि कोई स्पेशल बुक लिखी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो किस देश से आया है। तो मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके वीडियो मिलते रहें। तो पहला फॉरेन ट्रैवलर है एथेनियस निकिटिन। एथेनियस निकिटिन कौन था? एथेनियस निकिटिन 15वीं शताब्दी के आसपास से भारत आया हुआ एक रशियन मर्चेंट है, यानी कि रूसी व्यापारी है। और ये रूसी व्यापारी ने बहमनी साम्राज्य की दशाओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो आपको दो बातें याद रखनी है एथेनियस निकिटिन में, एक तो रशियन मर्चेंट और दूसरा बहमनी साम्राज्य से संबंधित। दूसरे ट्रैवलर हैं ड्यूरिट बर्बोसा। अब ये ड्यूरिट बर्बोसा एक पोर्टुगीज ट्रैवलर है, यानी कि पुर्तगाली यात्री हैं, और इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी दी हुई है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। ओके, तो आपके याद रखना है कि पोर्टुगीज ट्रैवलर एंड रिलेटेड टू द विजयनगर डायनेस्टी, ओके, एम्पायर। नाउ नेक्स्ट, अगले हैं डोमिनिगो पेस। डोमिनिगो पेस ये पोर्टुगीज ट्रैवलर हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था, और उस समय वहाँ का एक प्रतापी राजा हुआ करता था, जो कि थे कृष्णदेव राय। ओके, तो डोमिनिगो पेस ने कृष्णदेव राय के काल में क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। नाउ नेक्स्ट, अगले हैं फर्नाओ न्यूंज। फर्नाओ न्यूंज कौन है? ये भी एक पोर्टुगीज मर्चेंट हैं, यानी पुर्तगाली व्यापारी हैं, और इन्होंने उस समय पे अच्युत देव राय के साम्राज्य काल में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जुटाई हैं। ओके, तो ये चार नाम याद रख लेने हैं, एथेनियस निकिटिन, ड्यूरेट बर्बोसा, डोमिनिगो पेस और फर्नाओ न्यूंज। क्लियर? खास बात ये है कि इनमें से बाकी तीन जो हैं डीडीएफ, ये पोर्टुगीज हैं, पुर्तगाली हैं। और लास्ट स्लाइड में हमने बाकी इंपॉर्टेंट पोर्टुगीज ट्रेवलर्स की डिस्कशंस को किया था। नाउ नेक्स्ट, अगले हैं यहाँ पे जॉन ह्यूगेन वॉन लिंस्कॉटेन। ओके, तो जॉन ह्यूगेन वॉन लिंस्कॉटेन एक डच ट्रैवलर है, यानी डच देश से आया हुआ, और इन्होंने साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का भ्रमण किया था। नाउ नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, विलियम्स हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो कि इंग्लिश एम्बेसडर है, यानी ब्रिटिशर है, और ब्रिटिश किंग है उस समय पे जेम्स फर्स्ट, उन्होंने इन्हें भेजा था। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर के, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ओके, तो विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में भारत आते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सर थॉमस रो। अब इसके बाद जब हॉकिंस को खास कोई सफलता नहीं मिली, तो फिर थॉमस रो को भेजा गया। अब जब थॉमस रो, जो कि जेम्स फर्स्ट के ही एम्बेसडर हैं, वो भारत आए, तो जहांगीर के ही काल में आए सबसे पहले, और जहांगीर के काल में आकर के उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा इनको सूरत में कंपनीज वगैरह को सेटअप करने के लिए अच्छी खासी इन्होंने कोशिश की थी। ओके, तो जो थॉमस रो हैं, ये भी किसके टाइम पर आ रहे हैं? इंग्लिश एम्बेसडर हैं, और जेम्स फर्स्ट के राजदूत हैं, और ब्रिटिशर्स ही हैं। ठीक है, इंग्लिश मैन ही है। नाउ नेक्स्ट है फ्रांसिस्को पेलसार्ट।
फ्रांसिस्को पैलसार्ट की बात करें तो ये डच ट्रैवलर है। ओके, इन्होंने भारत में काफ़ी जगह पे घूमा था, आगरा, सूरत, अहमदाबाद। क्लियर? तो ये डच ट्रैवलर है। नाउ नेक्स्ट, अगला है आपका यहाँ पर पीटर मुंडी। ओके, तो पीटर मुंडी कौन है? इटालियन ट्रेवलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मुगल साम्राज्य में शाहजहां के समय काल पे ये भारत आए थे। ओके, तो पीटर मुंडी किसके काल में आया? शाहजहां के काल में। नाउ नेक्स्ट, जॉन अल्बर्ट दी मेंडेस्टो, ये एक जर्मन ट्रैवलर है और सूरत पहुंचता है ये। ठीक है, तो जर्मन ट्रैवलर है जॉन अल्बर्ट दी मेंडेस्टो। नाउ नेक्स्ट, जीन बैप्टाइज ट्रेवेनियर, ये क्वेश्चन यूपीएससी एनडीए में पूछा जा चुका है। ये एक फ्रेंच ट्रैवलर है, फ्रांसीसी यात्री है। ठीक है, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में ये भारत आया था। नाउ नेक्स्ट, निकोलो मनुची, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन अगेन, इटालियन ट्रैवलर है और दारा शिकोह के शासनकाल में भारत आता है। किसके शासनकाल में? दारा शिकोह। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला है फ्रांसिस्को वर्नियर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि एक फिजिशियन के साथ साथ एक दार्शनिक भी है और ये औरंगजेब के शासनकाल में थे। ठीक, फ्रांसिस्को वर्नियर। नाउ नेक्स्ट, अगला है जीन डी थेवेनॉट। जीन डी थेवेनॉट एक फ्रांसीसी यात्री हैं। ठीक है, और इन्होंने भी गोलकुंडा, औरंगाबाद जैसी सिटीज का भ्रमण किया था। नाउ नेक्स्ट, जॉन फ्रायर। जॉन फ्रायर क्या है? इंग्लिश ट्रैवलर है। ओके, तो ये ब्रिटिशर हैं और इन्होंने भी भारत में काफ़ी जगह पर 1670, 1670 के आसपास भारत का भ्रमण किया। नाउ नेक्स्ट, गेमेली करेरी, ये इटालियन ट्रेवलर है और ये भी मुगल साम्राज्य में 1693 के आसपास भारत में आते हैं। ओके, और इसके अलावा एक और नाम है जो कि शायद मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, ये है अब्दुल रजाक। तो अब्दुल रजाक 1443 के आसपास के समय काल के एक पर्शियन ट्रैवलर है और ये भारत में आए थे देवराय सेकेंड, जो विजयनगर का राजा है, उनके टाइम पर। ठीक है, तो देवराय सेकेंड जो कि विजयनगर साम्राज्य को देख रहे हैं, उनके समय काल में अब्दुल रजाक ने भारत का भ्रमण किया था। क्लियर? तो ये थे कुछ बचे हुए इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर्स। तो आप पहला वीडियो और ये दूसरा वीडियो दोनों को कवर कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। और मैं इसी तरह की इम्पोर्टेंट टॉपिक के खास चीज़ें जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, उनसे रिलेटेड आपको डिस्कशन करके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करती रहूँगी। ओके, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में वन डे एग्जामिनेशंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिनको यूपीएससी मेंस या पीएससी के लिए पढ़ना है, उनको ज़रूर इनके कार्य और बाकी चीज़ों के बारे में जानना है, उसका डिटेल में एनालिसिस करना चाहिए। लेकिन जो एसएससी या फिर एनडीए या फिर बाकी वन डे एग्जामिनेशंस में बैठते हैं, उनके लिए कौन सा ट्रैवलर किस देश से आया है, इतना जानना सफिशियंट होता है। तो एक शॉर्ट एनालिसिस थी ताकि आपको सिर्फ काम की चीज़ें ही बताई जाएं और आप फोकस होकर के इन चीज़ों को एनालाइज करें और याद कर पाएं। होप सो इस स्लाइड आपको समझ में आई होगी। आगे भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।